I know some of my friends from India, they are Muslim and they are very happy, even from Mr. Modi. So, because as you know, that is a secular country, secularism is the... Hindustan Zindabad, Hindustan Zindabad. Yeah. भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है, और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। पीएम मोदी से मुलाकात हो पाई? हाँ, और उन्होंने हमें नमस्ते कहा, और मुझे ऐसा लगा कि एकदम अनरियल एक्सपीरियंस था। हर बार उनको सिर्फ टीवी पे देखा है, कभी सच में नहीं देखा। आज ऐसा लगा कि सपना एक सच हो रहा है। इसके मुकाबले में इंडिया देख ले आप, इंडिया की जो भी होती है ना, वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी वहाँ इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा क्लियतों को राइट दिए जाते हैं। आप किसी भी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के पास चले जाएं, उनका कोई भी त्यौहार आता है, उन्हें सिक्योरिटी के अंदर सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो फिर ये कैसी आज़ादी हुई जिसके लिए हमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, विदेशी धरती पर खड़े होकर भी मुस्लिम धर्म के लोग प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा कोई और इंसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से ही हमारा देश निरंतर प्रगति की राहों पर आगे बढ़ रहा है। चीजें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, मेरा टॉपिक जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियन बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, हमारे ही पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करने लग पड़ते हैं? ब्रदर, बात पता है क्या है कि हमारे मुल्क की बदनसीबी और हम लोगों की बदनसीबी ये है कि हमारा मुल्क आजाद तो हुआ है, 1947 में आजाद हुआ है, लेकिन हम इन एस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों के अभी तक आजाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में ना अभी भी दूसरे इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं, जो यूरोप है या दूसरी लॉबी अमेरिका वगैरह है, उनका असर सूख है, और ये जितने भी सियासतदान इधर आते हैं ना, ये उनकी पैदावार होते हैं। लिहाजा ये उनकी पैदावार होने की वजह से ना, ये यहाँ पे हमारे लोगों को सहूलतें नहीं दे सकते। आपने बात की कि 1947 में हम आज़ाद हो गए या हम अलहदा हो गए इंडिया से, क्योंकि आज़ादी हमने इकट्ठे ली, ठीक है, लेकिन आज तक हम वहाँ से ही पैदा होके आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस उनके ऑर्डर पे चल रहे हैं। क्या जो 1947 में इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, क्या वहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम है? नहीं ब्रदर, बात पता क्या है, हम आज़ाद तो हुए हैं, उस टाइम हम ना डायरेक्ट अंग्रेज के गुलाम थे, हम हमारे ऊपर एक जो है ना गुलामी थी, लेकिन अब जो हमारे हुक्मरान है ना, वो अब उनके गुलाम है, हम हुक्मरान के गुलाम है, वह और वो हमारे हुक्मरान उनके गुलाम है। दरअसल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कॉप यानी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 28वें समिट को अटेंड करने के लिए दुबई गए हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया गया था। दुबई और यूएई की सरकार ने तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया ही था, साथ ही साथ जो भारतीय दुबई में रहते हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा खास और अनोखे तरीके से स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी के दुबई आगमन पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले छात्रों में से कुछ लड़कियों का यहां पर कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम लड़की का यहां पर कहना था कि मैंने आज तक प्रधानमंत्री मोदी को केवल और केवल टीवी में देखा था और साथ ही साथ इंटरनेट पर देखा था, लेकिन आज पहली बार मैंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सामने देखा है, और मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान है। दुबई पढ़ने गए छात्रों का यहाँ पर यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छे फैसले ले रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री मोदी निरंतर इसी प्रकार से फैसले लेते रहेंगे तो हमारा देश बहुत ही जल्द प्रगति कर लेगा। कैसा महसूस हुआ जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, पहली बार मिल रहे थे? हाँ, मैं पहली बार मिल रही थी, और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंट्री की मुझे एकदम सा रिलीव हुआ, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक काम प्लेस में हूँ, और एकदम अनरियल फील हुआ। अच्छा, सरियल था, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि ये सच है, तो आप बताएं कैसा लगा? हमारे प्रधानाचार्य जी अक्सर इनकी बातें करते हैं, जैसे उनके शब्द उनके शब्दों का अक्सर जी, और हम बहुत प्रेरित होते हैं उनसे, तो इस बार हमने जब सच्ची में देखा बहुत ही बहुत ही जब हमें बताया गया कि ये अवसर हमें प्रदान किया जा रहा है, तब यकीन नहीं हुआ था। यहाँ खड़े होके भी लास्ट मोमेंट तक हमें इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनको अपने सामने देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको। आप बताएं, आप लोग भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, क्या उन्होंने आपसे बात की या बस
उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था कि हम सबके पास चश्मे हैं। हम जब सामने खड़े थे तो उन्होंने कहा सबके पास चश्मे हैं। सारी लड़कियां एक्चुअली चश्मे, सिर्फ एक बार देखते हमारा दिल खुश हो गया। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गर्व लगा। गुजराती में किसने बात बताया, क्या बोला? गुजराती में बात किया, केम शो मजा, इवन तो सिर्फ केम शो मजा मा था, मेरा दिल खुश हो गया। बात किया, बहुत खुशी थी मिलने से, उसने भी बोला बहुत खुशी है उसके पास। बचपन से बड़े हुए देखते आए मोदी जी को, और आज देखने में तो कुछ और ही फीलिंग आ रही है, क्या बताए शब्दों में। लेकिन जो ये मुलाकात, जो ये विजिट है, ये बहुत ही अहम मुद्दे पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर। आप लोग फ्यूचर हो, आप बताएं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दुनिया से, हमारे जनरेशन से, कि हमें क्या करना चाहिए आप लोगों को? हम सारे यहाँ पे अभी दुबई में हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पे रहेंगे हम भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब भारत जाएंगे तभी तो सही होएगा भारत। और बताएं, आई थिंक पहले तो क्लाइमेट चेंज पर इनफ अवेयरनेस हो गई है। आई थिंक इट्स नाउ टाइम दैट पीपल टेक एक्शन। ऑलरेडी इन द पैरिस समिट दे सेड 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाज द गोल। ऑलरेडी इन द लास्ट ईयर टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय 1 डिग्री, लुकिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर 2 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। सो क्लियरली वी आर नॉट स्टिकिंग टू द गोल्स, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स कमिंग विद वायबल ऑल्टरनेटिव्स टू एनर्जी सोर्सेस। हमें अपनी गवर्नमेंट में विश्वास रखना चाहिए, और हमें खुद उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे की आवाज़ सुनी जाए। COP28 ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुनाई जा रही है, और इट्स अ यूथ सेंट्रिक कॉन्फ्रेंस, तो बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है, और दिस कॉन्फ्रेंस वुड एसेंशियली बी द बेंचमार्क फॉर मोर यूथ लेड कॉन्फ्रेंस। इम्पॉर्टेंट आवाज़ बच्चों से यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन लड़कियों ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा हमारे लिए भी कुछ छोड़ें। ये जो हमारा जनरेशन है जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, और इस जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा, बताइए क्या कहना चाहिए? हमने वादा किया है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, और इस वादे पे हम अमल करेंगे। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी आज कर रहे हैं ये बात ध्यान में रख के करें कि ये दुनिया जो आज इनकी है कल हमारी है। तो हम राज करेंगे, लेकिन राज करने के लिए ज़रा कुछ छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली बोलिए, अवेयरनेस स्प्रेड, यस। आई ट्रूली बिलीव दैट वी विल बी द जनरेशन टू फिक्स क्लाइमेट चेंज। So this is the generation that will fix climate change. But for now, is there anything that you want to say before I close? हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्रगति करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको सस्टेनेबिलिटी मेजर्स भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रगति के साथ साथ हमारा इकोसिस्टम भी सही रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस दुनिया का फायदा उठा सके। पॉजिटिव नोट में यहीं पे हम इस